राम सहानी, इस वक्त हम ने लिबर्टी गेट इजाफी स्टेडियम के गेट के सामने खड़े हुए हैं, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका का तीसरा जो मैच है T20 मैच खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट का जो है जोश देखने के काबिल है और यहां आज छक्के चौके की होगी बारिश और नारे इंतजाम दिए गए हैं। यहाँ लोगों को आके जो शायकीन क्रिकेट है उनको सबसे ज़्यादा जो इंतजाम है आईडी कार्ड और जो टिकट है वो लाना लाजमी है, नहीं तो स्टेडियम के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इंतजाम जब बात की जाए पिछले नहीं उसके बाद आज हम पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली फाइट देखने आए हैं। सबसे पहले तो मैं श्रीलंका को फाइनल कहूँगा, मैं नहीं बस मेरे साथ ही मेरा सारा स्कूल ऑफ लॉ का ग्रुप है, तो आई होप कि हम बहुत इंजॉय करेंगे। ओके जी, और क्या कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर जो है जो मेहमान नवाजी बहुत करते हैं सर, हमने इसीलिए हम लंकन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं और हम उनको तह दिल से वार्मली वेलकम कहते हैं। तो अल्लाह पाक ये सारा इवेंट जो हमारा है मान से पाकिस्तान मैच पे आगे कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान के रौनक मेला हो रहा है और पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? काफ़ी अच्छी माशाल्लाह इनकी मेहनत थी और पाकिस्तानियों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मतलब आप वनडे देख लें, आप टेस्ट मैच देख लें, आज T20 आज भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। श्रीलंका के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? श्रीलंका की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट कि हर जगह पे उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। लिबर्टी गेट है इजाफी स्टेडियम का, वहाँ मौजूद हो इस वक्त मेरे साथ हैं चाचा है, क्रिकेट मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि क्या तासरात हैं आपके यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान में, क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चाचा क्रिकेट का शौकीन हूँ, उनको देख के हम लोग चाचा बने हैं, मुझे चाचा लाहौर कलंदर कहते हैं और क्रिकेट को देख के ऑफकोर्स पूरा पाकिस्तान खुश है क्योंकि वो टीम जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए थे वो टीम अभी पाकिस्तान में आई है और अभी स्टेडियम के अंदर पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। लाहौर के अंदर हमने उनको रखा, सेफ तरीके से टीम अंदर पहुँच गई और इंशाल्लाह क्रिकेट वापस आ गई है पाकिस्तान के मैदानों के अंदर, रौनकें वापस आ गई है पाकिस्तान की, जो मैदान थे जो मुरझाए हुए थे इंशाल्लाह वो फिर भी थे खिल उठेंगे। और यूए में जब जाते हैं इतने महंगे मैच होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, फिर किराया दे देते हैं, एक महीना में बच्चों से दूर रहें आराम मिलते हैं मैचों के लिए। अब जब मुझे क्रिकेट पाकिस्तान में आएगी तो हम हर रोज घर से आके मैच देखेंगे इंशाल्लाह। लाहौर में स्टार्ट हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि PSL का जो फाइनल है वो जैसे ऐलान हो गया कराची में होगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अमन कैम हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आ चुकी है। श्रीलंका के बारे में क्या कह रहे हैं? मेरी फेवरेट टीम है आज श्रीलंका, हालांकि पाकिस्तान से सीरीज जीत चुका है लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि बाबा एक क्रिकेट है वो अभी हमारे साथ मौजूद है तो उनसे हम जानते हैं कि वो यहाँ के उनको कैसा लगा है। जी मैं बिल्कुल कल ही वहाँ जो है ना वो वनडे सीरीज और T20 और टेस्ट भी देख के और मैं स्पेशल इस मैच के लिए आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। जब भी 8-9 साल पहले यहाँ श्रीलंका टीम पे ये अटैक हुआ था लिबर्टी ग्राउंड पे, उसको तो भी मैं यहाँ के ग्राउंड में मौजूद था और आज मैं फिर मौजूद हूँ और हम पाकिस्तानियों को यही जो है ना ये खुशखबरी देते हैं कि शुक्र है जो है ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है इंटरनेशनल दोबारा जो है ना वो आ रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी साबित करेंगे जब हम मान टीम का शानदार इस्तेमाल। दहशतगर्दी को क्या आप दहशतगर्दी जी दहशतगर्दी तो ख़त्म हो चुकी है या हो जाएगी, लेकिन ये दहशतगर्द है इनका कोई ईमान नहीं है और कोई दीन ईमान नहीं है। तो मेरा एक ही मैसेज होता है दहशतगर्दों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, कि अगर आपने पाकिस्तान से रहना है तो इसे सच्ची मोहब्बत करो, अगर आप दहशतगर्द बनकर रहना चाहते हैं और पाकिस्तान को अच्छा नहीं जानते फिर ये पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में जहां मर्जी चले जाए। आज जीत किसकी होगी? आज इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। आज पाकिस्तान और नहीं गुजराती है वो मेजबानी जो है मेजबानी बहुत ज़्यादा कर रही है, इसलिए श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट का दोबारा लुफाज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं कि पाकिस्तान आज पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट का नफाज हुआ है तो वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, मेले जैसा समा है और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने ढोल के साथ जो है वो इस मेले में शिरकत करने के लिए जो है वो यहाँ पर आई हुई हूँ। पंजाबी हैं, लॉरी हैं, पागल भी होते हैं तो बस हमें तो मौका
चाहिए, बारिश भी हो जाए तो हमारे लिए ऐसे होता है कि बस पार्टी का माहौल है। तो अभी तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये इतनी बड़ी है पाकिस्तान के लिए कि इतने जो इतना इतना बड़ा और इतना संगीन वाकया था जिसकी वजह से हमारे घर में जो है वो क्रिकेट बंद हो गई हुई थी और वो ग्रेजुअली जो है वो स्टार्ट हुई है, और उसके बाद वही टीम आज यहाँ पर मेरे ख्याल में थर्ड इंटरनेशनल मैच है और वो टीम यहाँ पर आई है जिनके साथ मिसहैप हुआ था। तो मैं तो सबसे पहले मैं श्रीलंकन टीम को हैट्स ऑफ करूँगी, थैंक यू बोलूँगी कि वो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे पाकिस्तान में दोबारा से आए हैं और मैचेस का जो कि सिलसिला है और ये जो क्रिकेट का रिवाइवल है इसमें वो शामिल हो रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और इसी वजह से मैं शायद श्रीलंकन टीम को ही सपोर्ट कर रही हूँ। लास्ट टाइम पे वर्ल्ड 11 का मैच था तो मैं वर्ल्ड 11 को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन शॉर्टकट यही है कि जीत तो हम लोग गए हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, तो जीत तो विनर की होती है, कोई भी जीते कोई भी हारे। वैसे भी जो लाहौरी है मेजबान है, मेजबानी के तौर पे तो बहुत ऐसा 5:30 बजे तक शायद जीते क्रिकेट जो है ग्राउंड पर जा सकते हैं। कुछ ही देर बाद मैच शुरू होने वाला है, आपको इससे करके आप वेट करते रहेंगे। इसी के साथ में हम आप अल्लाह हाफिज़।